अपनी रचना तो बाणी अंदर गुरु ने आख्या क्या अपराध संत है कि ना बाद पोट कुंचर को दीना कुंचर पोट ले ले नमस्कार कुंचर पोट ले ले नमस्कार बुझी नहीं काजी अंधियारे काजी नहीं बुझ रहा अपने आप को धर्म का ठेकेदार रखवाने वाला धार्मिक पदवी ते सुशोभित काजी नहीं जान रहा है कबीर कौन है एक पशु बिरती जिन्हों असी आखने हाथी पछाण रहा है मैं इनू मारना नहीं ये कोई भगत है किन्ना फर्क पै गया धार्मिक पदवी ते बैठा होया मनुख वक्त दे राजनीतिकां दा गुलाम एक टूल बन के रह गया सारा इतिहास पढ़ लो धर्म कमजोर कदों पिया बल्कि सतगुरु ने बाणी अंदर एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल दी वो तुहाडे नाल सांझी करना चाहना गुरु नानक पातशाह जी की रचना है गुरु कहिंदे ने हिंदुस्तान अंदर धर्मी लोगों नूं राजनीतिक लोगों ने अपनी मुट्ठी विच कीता ते गुलाम बना वरत्या हमेशा वरत्या ते उन्हां धर्मी लोगों नूं भी मन च ख्याल आया उन्होंने राजियां नूं खुश करन लई इह गल आखी फिक्र ना करो साडे कोल धर्म की शक्ति है जिहड़ा तुहाडे वल मूँह करेगा असीं अंधा कर देंगे सतगुरु दी बाणी दे मैं लफ्ज़ तुहाडे नाल सांझे करन लगा हिरदे विच अपनी तां के कह के जमाई भी फिक्र ना करो साडे कोल धार्मिक पदवियां ने साडे कोल धार्मिक शक्ति है जिहड़ा तुहाडे वल मूंह करे असीं उहनूं सजा देंगे असीं उहनूं अंधा कर देंगे हिंदुस्तान दे राजे बेखौफ हो गए साडी मुट्ठी विच धर्म है ये धार्मिक लोग ने सानूं किसे दा की डर ते सतगुरु ने बाणी विच आख्या कहिण लगे ऐसा समां आ गया जदों बाबर ने मुगल ने हमला किया लो गुरबाणी के लफ्ज़ हमला किया ते जिन्ने इस देश दे चंगे चंगे धार्मिक पदवियां ते बैठे हुए शक्तिशाली लोग अखवांदे सन जिन्होंने राजियां दे दिमाग विच इह गल बिठाई हुई सी साडी मर्जी बिना तुहाडे वल कोई झाक नहीं सकदा उन्होंने सारे वो इकट्ठे करके बिठा लए कहन लगे सानू होर हुण तैयारी करन दी लोड़ की सब तो आखरी वड्डा हथियार साडे कोल है जदों कोई साडे वल मूँह करेगा इस धर्म दे हथियार ने उन्हूं खुंडा कर देना है उन्हूं अंधा कर देना है उन्हां जिन्ने भी अगे सन पीर धार्मिक पदवियां ते बैठे हुए उन्हां नूं इकट्ठा कर लिया ते बिठा लिया कहन लगे उस मुगल ने उस बादशाह ने कीती है साडे ते हमला कीता है लो हुण तुसीं अपने चमत्कार विखाओ तां कि इह साडे वल देख ना सके गुरु ने बाणी विच आखिया कहन लगे कोटी हूं पीर वर्ज रहा है ऐसे लफ्ज़ देखो दोनों वरते गए ने मीर ते पीर मीर तो भाव राजशक्ति पीर तो भाव धर्म शक्ति गुरु कहन लगे कोटी हूं पीर वर्ज रहा है जा मीर सुनिया ताया गुरबाणी दी तो कहे और बकायदा इन्दे विच एक इतिहास बीते दा एक इतिहास है कहन लगे जिहड़े करोड़ां पीर सन ना उन्हां इकट्ठे करके बिठा लए जदों उन्हां नूं पता लगा कि मीर आ रहा है राज शक्ति वाला बाबर आ रहा है ते साडे कोल ने आपे उन्हूं ठल पा लैणगे गुरु कहिंदे ने कोटी हूं पीर वर्ज रहा है जा मीर सुनिया ताया जा मीर सुनिया ताया अगले पासे कहिंदे ने जदों ओ आया जले बिज मंदर मुछ मुछ कोयर रुलाया मकान ढह गए घर बार बर्बाद हो गए चंगे चंगे अमीरां दे परिवार दे बच्चियां दे टुकड़े टुकड़े कर दिते कहन लगे ओ पुछन लगे ओ साडे कोल तां इन्नियां शक्तियां सन ये धार्मिक पदवियां ते बैठे हुए धर्मी लोकां दियां इन्हां ने किसे नूं अंधा ही नहीं कीता
ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਅੰਧਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਚੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨੋ ਭਾਈ ਲੜਾਈ ਰਣ ਮੈਂ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਹਰ ਵਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰ ਪਲ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਉਸ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਹਿਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਈ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬੰਦ ਘਰ ਬੰਦ ਘਰ ਬੰਦ ਘਰ ਬੰਦ ਸੱਚ ਧਰਮ ਕਾ ਗੱਡ ਥੰਮ ਅਹਲੇ ਗੱਡ ਥੰਮ ਅਹਲੇ ਗੱਡ ਥੰਮ ਅਹਲੇ ਓਟ ਲਿਖੋ ਨਾਰਾਇਣੇ ਓਟ ਲਿਖੋ ਨਾਰਾਇਣੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਝੱਲੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਝੱਲੇ ਘਰ ਬੰਦੋ ਘਰ ਬੰਦੋ ਘਰ ਬੰਦੋ ਘਰ ਬੰਦੋ ਸੱਚ ਧਰਮ ਕਾ ਗੱਡ ਥੰਮ ਅਹਲੇ ਗੱਡ ਥੰਮ ਅਹਲੇ ਗੱਡ ਥੰਮ ਅਹਲੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਓ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨਿਥਾਵਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਮਨ ਬੇਘਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮੀਆਂ ਗੱਡੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥੰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਬੰਧੋ ਸੱਚ ਧਰਮ ਕਾ ਗੱਡ ਥੰਮ ਅਹਲੇ ਅਹਿਲ ਧਰਮ ਅਹਿਲ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਆਇਆ ਆਸ ਬਣਾ ਲਈ ਟੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਸਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਧਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਆਪ ਧਰਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਇਆ ਥਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਮੁੱਛ ਮੁੱਛ ਕੋਇਰ ਰੁਲਾਇਆ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ
कमजोर धर्मी जड़े ने उन्हां कोलों कोई भय नहीं खांदा, ना बाबर ने खाधा, ना वह कुछ कर सके, ना उनकी रखवाली कर सके। आखिर होया कि मुगल पठाना भई लड़ाई, रण में तेग बगाई, उन्हें तुपक चाहता चलाए, उन्हें सतगुरु ने बड़ी सारी कहानी लिखी। कह लगे आखिर हिंदुस्तान की प्रजा की की हालत हुई जिन्हों असी बाबर वाणी आखने। इसलिए जरूरत है गुरु बख्शिश करे धर्म की शक्ति बलवान होवे, मजबूत ते अहल धर्म का घर बने, उनके मजबूत ते अहल धर्म दियां जिहड़ियां ने पिल्लर खड़े होण, थम्मियां खड़िया होण, ताकि असी अपने आत्मक जीवन मन की अवस्था नूं सुरक्षित कर सकीए। इन्हां शब्दां नाल खिमांदा जाचे खां, फतेह बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।